नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया। रोमियो अकबर वॉल्टर या रॉ में जॉन अब्राहम ने देशभक्ति की चाशनी में लपेटकर एक नई थ्योरी दी है कि जब मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा होता है तो उसमें सही या गलत देखने के बजाय उद्देश्य देखना चाहिए। ये सोच उनकी फिल्म को उनके समकालीन कलाकारों से अलग बनाती है, जिनकी फिल्में मुख्यतः सीटी बजाने वाले दृश्यों के बल पर रिलीज की जाती है। फिल्म में जॉन एक साधारण मुस्लिम परिवार से आते हैं जो अपनी बैंक की नौकरी में खुश हैं, लेकिन भारतीय सरकार उनको एक सीक्रेट मिशन में इस्तेमाल करना चाहती है। यहाँ से शुरू होती है उनके संघर्ष की दास्तां, जिसमें हर कदम वो खतरों और अपने भीतर चल रहे द्वंद से जूझ रहे होते हैं। उनका सफर पाकिस्तान और नेपाल होता हुआ कई ऐसी जगहों पर जाता है जहाँ एक मिनट की देरी भी खतरनाक साबित हो सकती है। दरअसल फिल्म के तेजी से बदलते दृश्य ही रॉ की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कई बार आप जानते हैं कि निर्देशक रॉबी ग्रेवाल क्रिएटिव आजादी ले रहे हैं, लेकिन ये सब इतनी तेज गति से होता है कि आप उनको संदेह का लाभ देने को तैयार हो जाते हैं। जॉन ने अपने आप को काफी हद तक रोका है और ये बात फिल्म के पक्ष में जाती है। उनको दमदार साथ मिला है जैकी श्रॉफ का, जिनका किरदार कई हॉलीवुड फिल्मों से प्रभावित है। फिल्म में मौनी राय भी हैं, पर उनके हिस्से ज्यादा कुछ आया नहीं। 145 मिनट की ये फिल्म पहले हाफ में अपना कैनवास सेट करती है, पर दूसरा हाफ इसके लिए कई समस्याएं लेकर आता है जहां आप कहानी को प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं। बावजूद इसके ये दर्शकों को अपने आकर्षण पॉश में बांधे रखने में कामयाब हो जाती है। रॉ कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो आपके साथ महीनों रहेगी, लेकिन ये ऐसी भी कोई गुजरी नहीं है कि 3 घंटे तक आपको बिठा के न रख सके। पूरी तरह से जॉन के कंधों पर टिकी रॉ आपको उनके अंदर के लगातार बेहतर होते एक्टर से भी मिल रहा है।